इस्तेमाल दोस्तों आपको साधारण ब्याज का किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला है कि मूलधन बराबर ब्याज एस आई गुना 100 बटे टाइम गुना रेट। तो आपका जो है एस आई क्या है 600 और गुना 100 बटे रेट क्या है 15%, टाइम क्या है 2 वर्ष, इसे कटे 15 × 4 = 60 और ये 2 से काटेंगे तो 20 गुना करेंगे तो कितना हो गया 2000 रुपया। एक फर्स्ट मेथड ये है आपको बनाने का। सेकेंड मेथड जो आप बनाएंगे इसे सवाल को जो सोल्व करेंगे किस तरह से सोल्व करेंगे आप एग्जाम में, 15 रुपया 15% का मतलब 100 में 15 रुपया, अगर ब्याज है 15 रुपया तो मूलधन कितना है 100 रुपया, 100 रुपया का ब्याज 15 रुपया लग रहा है तो ब्याज कितना है 600 रुपया, तो मूलधन कितना हो जाएगा, ये कितना गुना है इसे 40 गुना है तो इसको 40 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4000, 40 गुना 100 का करेंगे तो 4000 हो गया। ये हो गया कितना वर्ष में, ये हो गया 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का हो गया, हमको 1 वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का 30 का आधा हो जाएगा 2000 रुपया, यह हो गया 1 वर्ष का साधारण 1 वर्ष का मूलधन, ये हो गया मूलधन। तो दूसरा तरीका ये है आपको बनाने का ट्रिक जो कि आप आसानी से बना सकते हैं, ये हो गया सेकेंड मेथड। दोस्तों तो ये रहा आपके लिए, फिर नेक्स्ट सवाल लेकर आया हूँ कि क्वेश्चन है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 6500 रुपया हो जाएगी। कहने का मतलब ये है आपका मिश्रधन, ये हो गया टाइम और ये हो गया आपका रेट दर, कितना पैसा था, कौन सी धनराशि था प्रिंसिपल जो कि उसको 5-6% की दर से 5 वर्ष में 6500 रुपया हो गया है। तो एक तो आप निकालने का तरीका है कि आपको पी बराबर मिश्रधन गुना 100 प्लस 100 प्लस आर गुना टी से आप निकाल सकते हैं। आप यह बात देख ले दोस्तों कि मैं कोई फॉर्मूला मैं देख करके नहीं बता रहा हूँ, मुझे याद है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे तरह से आपको भी पूरा एक्सपीरियंस हो जाए बनाने का, मैथ बनाने का, जो कि आने वाले एग्जाम में आप भी सक्सेस हो जाए, जिस तरह से मैं आज सफलता मुझे मिला है आपको भी सफलता मिले, मैं चाहता हूँ यही बताने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको सफलता दिलाना चाहता हूँ, आप भी किसी जॉब में सफल हो जाए ताकि आपके जो कठिनाई परेशानी है, जो आपका सोच मकसद है उस पर आप सफल हो जाए, आप उस काबू को पा सके। इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह आपका है मिश्रधन 6500 गुना 100 और 100 प्लस दर है आपका 6% गुना टाइम है 5 वर्ष, तो इसे मैं हल करूंगा तो हो जाएगा 6500 गुना 100 गुना 100 बटे 30 130 6 × 30 + 100 130 हो गया, ये काटेंगे ये कट गया 13 × 65 यानी हो गया 5000 रुपया का जो है बढ़ करके 6500 यानी कि 1500 रुपया इंटरेस्ट हुआ। ये फर्स्ट मेथड है बनाने का फॉर्मूला से, सेकेंड मेथड आपको और बता रहा हूँ जो कि बिना फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। सेकेंड मेथड बनाने का जो फॉर्मूला है ट्रिक है आप इसे बना सकते हैं बिना फॉर्मूला के, जितना ब्याज है 6% है यानी कि जब आपका मिश्र मूलधन था 106 रुपया यानी कि 100 + 6 रुपया जोड़ दीजिएगा 100 में तो ये मिश्र धन बन जाएगा, तो मूलधन आपका कितना था 100 रुपया, ब्याज दर जब जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो गया मूलधन 100 रुपया हो गया, ये हो गया और ये पी हो गया, तो 106 बराबर 100 तो 65 बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5000 रुपया। कैसे, ये कितना गुना है इसका, ये कितना गुना है इसका, ये जो गुना है 100 का 50 गुना है, इसको भी 50 गुना किए हैं इधर से तो 6500, आप नहीं तो चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू, आपका आंसर हो गया 5000 रुपया। दोस्तों इसका इस सवाल का जो सेकेंड मेथड है बनाने का इसमें मैं बता रहा हूँ आप जो इसको बिना फॉर्मूला को कैसे निकालेंगे, आपका दर है 6% आपका टाइम लग रहा है 5 वर्ष, 100 रुपया में 6 रुपया 5 वर्ष के लिए कितना लगेगा 30 रुपया, 30 रुपया हो गया ब्याज, 100 रुपया इसमें जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 130 रुपया, ये हो गया मिश्रधन यानी कि 130 रुपया मिश्रधन, तो मूलधन कितना था 100 रुपया, मिश्रधन 130 तो मूलधन 100 रुपया, आपका मिश्रधन कितना है 6500, तो कितना गुना है 13 × 65 50 गुना है तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, इधर से गुना कर लेंगे 50 गुना तो आपका हो गया 5000 रुपया। ये दूसरा ट्रिक सेकेंड मेथड है आपका आंसर निकालने का, कितना आसानी से बिना फॉर्मूला, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप इस विधि से सवाल को नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है यदि किसी धन का साधारण ब्याज
उस धन का 4/25 भाग हो तो वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर हो। जो वर्ष की संख्या है वही दर है, x यानी वर्ष है तो दर भी x है, सेम है। तो आपको वार्षिक दर क्या होगा निकालना है। तो एक तरीका क्या है इसे निकालने के लिए, पहला तरीका कि फॉर्मूला से आप फर्स्ट आप निकाल सकते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, रूट अंडर ई ए हो गया आपका, ए नीचे हो गया बी, तो 4/25 × 10 तो 10 का वर्गमूल हो गया 2, 25 का वर्गमूल हो गया आपका 5, या गुना 10 कर देंगे तो 5 × 10 बराबर 4 वर्ष हो गया। तो दर की संख्या 4% हो गया, दर निकालना था। कहने का मतलब इस फॉर्मूला से आप दर भी निकाल सकते हैं और वर्ष भी निकाल सकते हैं, दोनों निकल जाएगा। यदि क्वेश्चन दर पूछ रहा है तो दर बताएं, यदि वर्ष पूछ रहा है तो हम वर्ष निकल देता है सेम फॉर्मूला से, एक ही फॉर्मूला से। दूसरा क्या है निकालने का तरीका, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, सेकेंड आप बेसिक फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप याद कर सकते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर होता है। आपका ब्याज क्या है, ये ऊपर वाले आपका ब्याज हो गया, ये ऊपर वाले आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और नीचे वाले क्या हो गया, मूलधन हो गया, पी हो गया। तो ब्याज आपका दिया हुआ है एस आई बराबर जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये आपका फॉर्मूला यही फॉर्मूला से बनाया शॉर्टकट, आप इस पे बैठा के निकाल सकते हैं। एस आई कितना है, 4 है, और आपका मूलधन दिया हुआ है 25 गुना टाइम क्या है, टाइम और दर और बस दोनों बराबर है, हम इसे एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं बटे 100। तो इसे इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 400, और दर क्या बच गया 25, एक्स गुना एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसको नीचे कर दीजिए क्या हो गया 400/25, और स्क्वायर से जब इसमें भाग दीजिएगा रूट निकालिएगा क्या निकलेगा 400 को निकल जाएगा 20/5। इसका जब स्क्वायर को इस साइड भेजिएगा क्या बनेगा, यह रूट बन जाएगा। कहने का मतलब कि आपका इधर से रूट ये बन गया तो आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो 20/5 का 5 से काटेंगे 4, एक्स का मान क्या निकल गया, एक्स बराबर 4%। दूसरा